नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं और चर्चा करते रहते हैं कि भाई वो खुश नहीं है एज ए होमोसेक्सुअल। उनको बहुत एंग्जाइटी होती है, वो बहुत गिल्टी, उनको लगता है गिल्टी महसूस करते हैं, अपराध बोध की भावना आती है। और कुछ लोग उसमें खुश है मगर उसमें उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, और उसके लिए क्या करें वो भी पूछते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा पूछते कि नहीं, अभी तो होमोसेक्सुअल हमको कंटिन्यू करना है मगर अभी माँ बाप का बहुत प्रेशर है तो शादी करनी भी पड़ेगी लड़की के साथ में, और शादी करेंगे तो कैसा होगा आगे चल के तो बताओ, और इसलिए फिर हमको भी ये बंद करना है होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, सोसाइटी का बहुत प्रेशर है इसलिए बंद करना है। ऐसे काफ़ी सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते रहते हैं। अभी ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि एक 29 साल का लड़का है और उसने मेरे साथ में कॉल किया, फिर बाद में मिलने आया, फिर बताया कि भाई मुझे लड़कियों के प्रति आकर्षण कम है और लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है। मैं मेरे एक दोस्त के साथ में रिलेशनशिप में हूँ और वो बोलता है कि मैं मेरे खुशी के साथ उसके साथ में रिलेशनशिप करता हूँ और वो एक्टिव पार्टनर है और लड़का पैसिव पार्टनर है। अभी वो कभी कभी चाहता भी नहीं वो लड़का रिलेशनशिप करना, मगर इसको जब जब इच्छा होती है तब उसके पास में वो जाता है और काम पड़ा तो फिर उसको पैसे भी देता है या उसको फिर पार्टी देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, जैसा कि गर्लफ्रेंड है उसको जैसा करना पड़ता है वैसा इसको करना पड़ता है, और बाद में वो बोलता है ठीक है हाँ करो सेक्स। मगर अभी ये जो लड़का मेरे पास में आया उसका ये प्रॉब्लम था कि भाई ये जो सेक्स मैं करता हूँ तो अभी भी मुझे शीघ्र पतन हो रहा है, मतलब अभी मैं उसको 500 1000 रुपये भी देता हूँ और जल्दी भी हो जाता है तो उसमें मुझे मज़ा ही नहीं आता है। तो वो प्री मैचुर इजैकुलेशन इन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए आया, और फिर बाद में वो बोलता है कि भाई अभी मुझे घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, और वो बोलते हैं कि भाई शादी करो और मैं घर को ना नहीं बोल सकता हूँ, तभी मुझे ये बंद भी करना है होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप और शादी भी करना है, और मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि भाई कैसा करना, और यदि मैं शादी के लिए उनको ना बोलूँ तो मेरे माँ बाप बोलते कि हम सुसाइड कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और यदि मैं शादी करूँ तो मुझे खुदकुशी करने की बारी आएगी, मतलब ये करना क्या है, और बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं ऐसा उसने बोला मुझे, टेंशन आ रहा है, नींद नहीं आती है, और उसको ऐसा लगता है कि शादी के बाद में मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा लड़की के साथ में। आपको ये पता ही है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके मुताबिक अभी होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में लीगलाइज है, मतलब वो एक गुनाह नहीं है। एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 3% लोग होमोसेक्सुअल है, 3%, उसमें गे भी आ गए और लेस्बियन भी आ गए। गे मतलब लड़का लड़का और लेस्बियन मतलब लड़की लड़की रिलेशनशिप में है। और 9% लोग, 9% दे आर बायसेक्सुअल्स, मतलब वो दोनों भी हैं, लड़की के साथ में और लड़के के साथ में दोनों रिलेशनशिप में हुआ है। और जो एक डेटा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था उसके मुताबिक हमारे देश में कम से कम 25 लाख लोग होमोसेक्सुअल्स हैं और उसमें से 7% लोग HIV पॉजिटिव है, ऐसा बोला गया, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सवाल है लाखों लोगों का कि अभी उन्होंने अर्जी की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में कि भाई हमको शादी करने दो, क्योंकि शादी करेंगे तो एक साथ में शादीशुदा हस्बैंड वाइफ करके रहेंगे, मतलब नॉट एज ए वाइफ बट एज ए कपल, और फिर एक दूसरे के जो लीगल अधिकार है वो मिलेंगे और हम बच्चा अडॉप्ट कर सकेंगे, जो भी है मतलब लीगल प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। अभी ये लड़के की तरफ आएंगे कि इसका करना क्या है, ये बोलता है कि मैं मेरे माँ बाप को बोल भी नहीं सक रहा हूँ और मैंने अभी घर वालों को बोला है कि नहीं भाई मुझे पढ़ाई करनी है और फिर मुझे अभी मेरा करियर बनाने का है, करके मैं अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मैं उनके लिए शादी भी करूँ तो मेरा लाइफ कैसा रहेगा, सेक्सुअल लाइफ, मैं फंसाना नहीं चाहता लड़की को, तो अभी करना क्या है उसको। तो फिर मैंने 2-3 बार सेशंस को बुलाया, 2-3 बार आया हूँ, कभी ऑनलाइन भी आता था मतलब ऑडियो कॉल्स, कभी वीडियो कॉल्स करता था, और फिर उसमें उसको धीरे 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 बताया कि भाई आपको क्या चाहिए, उसको खुद को क्या चाहिए था, बोले मैं तो ये गलत इंटेंशन से मतलब इसमें फंस गया एक्चुअली, बोले मेरे एक रिलेटिव थे तो उन्होंने मुझे इसमें डाला, उसने ये बताया कि एज ए चाइल्ड ही वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड, उसके कोई रिलेटिव दूर के थे वो उसके घर के पास में रहते थे, वो घर पे आते थे और उसको बोलते थे कि भाई उनका मास्टरबेशन करके दो, इसका भी लिंक को छेड़खानी करते थे, जैसे उम्र बढ़ते यार इसको अच्छा लगने लगा, एक्साइटमेंट आने लगी, और फिर धीरे धीरे वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गया और बाद में उसने ये लड़के को पकड़ लिया, इसके साथ में करने लगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं बंद करना चाहिए, ये तो
मेरा लक का सवाल है कि ऐसा हो गया और मुझे ये बंद करके अभी, मतलब ठीक है अभी आपको जो भी प्रोग्रामिंग हो चुका है अभी पता नहीं, आपको पहले ये बंद करना पड़ेगा, फिर मतलब रिलेशनशिप बंद करनी पड़ेगी कोई भी हालत में। वो इतनी वहाँ उसको चली गई, मतलब ओसीडी टाइप हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कि वो उसको इतनी ज़बरदस्त अरज आती है वो लड़के के पास में जाने की, वो खुद को रोक नहीं पाता। तो मतलब फिर आपको आपका अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा उस समय, कहीं ना कहीं अपने को बिजी करना पड़ेगा, और कुछ भी करो वो टालना पड़ेगा, क्योंकि आप जाएंगे तो क्या होता है कि वो रिवार्ड मिलता है, वो बिहेवियर जो है, वो अर्ज जो है, वो अर्ज आती है सेक्स करने की, और आप सेक्स करते तो उसको वो अर्ज खत्म हो जाती है, मतलब उसको रिवार्ड मिलता है और वो फिर एक्ट कंटिन्यू होते रहते हैं। तो ये पहले बंद करनी पड़ेगी। और धीरे 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 मैंने उसको काउंसिलिंग किया, तो काउंसिलिंग चालू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं कंटिन्यू करे, और एक्चुअली वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। आज हमारे यहाँ हमारे देश में अभी होमोसेक्सुअलिटी ट्रीटमेंट करके नहीं है, मतलब वी कैनॉट ट्रीट होमोसेक्सुअल, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, मगर उसके साथ में कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन लेके आता है और वो उसमें नाखुश है, तो फिर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास में जब लोग आते हैं तब उनको बोलते कि भाई आप राइटिंग में दो कि आपकी इच्छा है कि नहीं इसमें से बाहर आने, इस तरह का लाइफ नहीं चाहिए, ये ओरिएंटेशन नहीं चाहिए। हम कोशिश करते हैं गारंटी काहे की, इसीलिए कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई देके उसका कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल नहीं सकते हैं, ना कोई इलाज है, मगर उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ काउंसलिंग। उसमें से आना उसको ही बाहर है, यदि बाहर आने की इच्छा है तो, और वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो ये खुद का चॉइस है, इज हिज चॉइस कोई व्यक्ति का, और वो चॉइस वो क्या चूज करता है उसके ऊपर उसका लाइफ है। अब ये जो लड़का आया था उसका चॉइस था कि नहीं अभी मेरे माँ बाप के लिए, मेरे खुद के लिए, मुझे वो गिल्ट लगता है उसके लिए, मुझे जो डिप्रेशन आ रहा है उसके लिए, अभी मुझे ये वो बंद करना है। और ये बताओ कि अभी बंद कैसे करना, मैं मतलब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता इसमें। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली मदद होना जरूरी है, और इसके बारे में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो है उनको भी मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है कि भाई इनके लिए क्या करना, और भी नेशनल मेडिकल काउंसिल है अभी उनको भी रिक्वेस्ट मैं डाली हुई है, काफ़ी लेटर्स मैंने लिखे कि भाई ये लोगों के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइंस देना जरूरी है कि भाई इनको हम कैसे मदद कर सकें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।